सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 4, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka Antarrashtriya Bank. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. Koshish hamari, safalta aapki. Bank of Baroda. खाना बनाने का शौक आप में से बहुत से लोग रखते होंगे। अब ये एक ऐसा हुनर है जो पेट की भूख मिटाने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत लेता है, और जब ऐसा हुनर एक बिजनेस में तब्दील होता है तो पेट भरने के साथ साथ जेब भी भरता है। लेकिन हुनर से बिजनेस का सफ़र किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और इस सफ़र को तय करने में एक अहम रोल निभाता है पैसा। जी हाँ, जिसकी कमी अक्सर किसी भी बिजनेस की सफलता में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। अब जयपुर के रहने वाले राम बाबू जी को भी इस कमी ने रुक जाने पर विवश किया, पर यहाँ एक कोशिश ने थाम के उनका हाथ दिया सफलता के सफर में उनका साथ। क्या है हुनरमंद हाथ और कोशिश के साथ की ये कहानी, बता रही हैं हुनरबाज की टीम डायरेक्टर शिप्रा बलानी। पनीर के पकौड़े किसी के हाथों का कमाल का कौशल है। और इस कौशल से जुड़ गई जब एक कोशिश, तो कदमों को मिल गई सफलता की मंजिल। क्या है कोशिश और कौशल की ये कहानी, इसे जानने हम पहुंचे हैं पिंक सिटी जयपुर। कहते हैं कि स्वादिष्ट खाना बनाना अगर किसी ने सीख लिया तो वो खुद कभी भी भूखा नहीं रहेगा। यानी ये एक ऐसा काम है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तभी तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो या स्ट्रीट फूड के छोटे छोटे स्टॉल्स, हर समय लोगों की भीड़ बनी रहती है। तो हमारे आज के हुनरबाज राम बाबू गुप्ता ने भी सालों पहले इस काम में अपना हाथ आजमाने की सोची। मेरे पिताजी छोटे से एक गाँव में दुकान चलाते थे, वहीं से धीरे धीरे मैंने सीखा कि मैं अपना खुद का बिजनेस भी करूं। तो मेरे पास ज़्यादा पूंजी भी नहीं थी और कुछ ऐसे हुनर भी नहीं थे अपने आप में। एक चाय का काम एक आसान काम था, चाय बना के मैं किसी स्टाफ सदस्यों को तो पिला ही सकता हूं। तो किसी परिचित के थ्रू मैं जौहरी बाजार शाखा में चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान जब बढ़िया चलने लगी तो राम बाबू ने इसे आगे बढ़ाने का सोचा और ऑफिस में कैंटीन का काम शुरू किया। लेकिन छोटी सी चाय की दुकान चलाना और कैंटीन चलाने में बड़ा फर्क था। ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा लोगों के साथ, जरूरत पड़ी ज्यादा पैसों की। जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे पैसे की भी आवश्यकता पड़ी। तो मैंने बैंक मैनेजर से कॉन्टेक्ट किया और मुझे 2 लाख रुपए का लोन भी मिला। ये कमाल मुद्रा योजना का है, जिसकी वजह से राम बाबू जैसे कई लोगों के हाथों का हुनर कारगर हुआ। जो काम करने की इच्छा रखते हैं और जो अपना कोई रोजगार डालना चाहते हैं, तो उनको इस योजना से 10 लाख रुपए के लोन तक उनको कहीं किसी कॉलेटरल सिक्योरिटी के लिए नहीं भटकना पड़ता है। आज अगर किसी की शुरुआत 2 लाख से है, वो आगे जाकर के 10 लाख रुपए का भी हकदार बनेगा। और 10 लाख की कैपिटल लगा करके अगर कोई आदमी काम करेगा तो निश्चित रूप से वो 1-2 लोगों को 3 लोगों को रोजगार देगा। तो ये बेरोजगारी दूर करने में ये योजना काफी हद तक साकार हो सकती है। आज राम बाबू गुप्ता की ये कैंटीन खूब चल रही है और इनके खाने के तो सभी कायल हैं। राम बाबू गुप्ता जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। सभी लोगों को मेरा ऐसा मानना है उनका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोग वहाँ लगातार खाना खाते हैं और इस बात का इससे अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता कि लगातार आप खाना वहीं खा सकते हैं जो खाना आपके लिए स्वादिष्ट भी हो और साथ में पाचक भी हो। तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है, तो उनके लिए मेरी आगे भी शुभकामनाएं रहेंगी, वो इसी तरीके से आगे सफल रहे। वाह, क्या मजे से लोग इनके खाने के चटखारे ले रहे हैं। ये हुनर और कोशिश की सामग्री से बनी वो सक्सेस है
जिसकी महक दूर दूर तक पहुंच रही है। 4800 व्यक्ति हमारे यहाँ से लाभार्थी हैं और वो 4800 से नहीं नहीं करते हुए कम से कम 10,000 लोगों को उन्होंने रोजगार सृजित किया है और वो सब लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो लोन है वो हम लोग 10,000 वाले व्यक्ति को भी लोन दे पा रहे हैं और किसी को अगर 10 लाख तक का लोन चाहिए तो भी हम लोग उसको 10 लाख तक के लोन भी दिला पा रहे हैं। अगर आपके पास में कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, तो जहाँ तक वित्तीय मदद की जरूरत है, बैंक आप हमेशा आपके साथ में है। क्लाइंट्स के साथ साथ राम बाबू का पूरा परिवार उनके हाथ के बनाए खाने को खूब एंजॉय करता है और ये पकौड़े खाकर तो मैं भी आज इनकी फैन हो गई हूँ। पकौड़ों के साथ बातों का भी खूब मजा लिया हमने। सबसे पहले जो मेरी क्लासेस हुई ना, पापा ने ही मुझे सबसे पहले खाना बनाना सिखाया, तो आज भी ऐसा होता है कि मुझे कुछ भी बनाना हो तो बिल्कुल डर नहीं लगता है, पापा सारा सिखा चुके हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मेरे जो फर्स्ट कुक है ना, पापा ने ही सारी क्लासेस दी है मुझे। धीरे धीरे करके मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी कुक हो गई पूरी। इस परिवार की ये खुशियाँ देखते ही बनती हैं, जो कोशिश की सफलता का जीता जागता प्रमाण है। लाभार्थी को लोन देने के बाद वो जिस प्रकार से उस काम को अच्छे प्रकार से करता है और काम करने के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी जीवन यापन करता है, यानी कि उसकी सफलता का पैमाना सीधे सीधे हमारी संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। यदि वो सफल है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसी बैंक वाले को ही होगी। कैसे स्वादिष्ट खाना बनाते बनाते आज सफलता का स्वाद चख रहे हैं राम बाबू गुप्ता जी, लेकिन ये स्वाद फीका रहता अगर बैंक की कोशिश का तड़का न लगा होता। पर आप भी ये स्वाद चख सकते हैं, अपने हुनर को कोशिश से जोड़कर तो देखिए। 3-3 बेटियां इनके थे, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया है, हम सबको बीएड करवाया, आगे पढ़ाया, कभी भी किसी चीज के लिए इन्होंने टोक लगाई नहीं कि नहीं बेटियां हैं, बिल्कुल मेरी बेटियां, मेरी मतलब परियां हैं, तीनों इस तरीके से रखा है हम लोग को।